अच्छा फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको प्याज को चॉप कर लिया है और मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया, देखिए मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया। अच्छा फ्रेंड देखिए मैंने इसको ना लाइट ब्राउन करना है, बिल्कुल लाइट सा इसको ब्राउन करूँगी और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी, ठीक है। इसको अभी लाइट ब्राउन होने तक वेट करना पड़ेगा। यहाँ देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून तकरीबन मैंने लहसुन का पेस्ट डाला और हाफ टी स्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाला। अब इसको दो से तीन मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से हमने ये कर लिया। और इसमें मैंने जो कटे हुए टमाटर थे वो ऐड कर दिए, हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। अच्छा देखिए फ्रेंड इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है। अब मैं इसमें ड्राई मसाले जो हैं वो ऐड करूँगी। ये देखिए गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, हल्दी पाउडर, कुटी हुई रेड मिर्च। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन चिली और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। साथ साथ मैं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं हंडिया को भून रही हूँ अच्छी तरह से। भूनने से इसका जो कच्चापन है मिर्ची का वो ख़त्म हो जाएगा। सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर चुकी हूँ और अभी इसकी ये कंडीशन है, ठीक है। ये मैं चम्मच के साथ इसको थोड़ा ऐसे कर रही ताकि इसका मसाला जो है वो मैश हो जाए। वैसे प्याज इसी वजह से मैंने चॉप करके डाले थे, ये हंडिया के ऊपर, ऐसी हंडिया के ऊपर प्याज वो लंबे लंबे आए तो वो बुरे लगते हैं ना, खाने में अच्छा लगता है जायका और ना दिखने में। अच्छा आपको मैं बताऊं, ये वाला जो कप है मैंने एक भर के लिया चने की दाल का और हाफ मैंने इसको लिया मसूर की दाल का। ये दाल की क्वांटिटी मैं आपको बताती जाऊं। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको बताऊं, जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, लाइक करें और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने अगर दाल चावल बनाए हैं तो कैसे बने हैं। और प्लीज़ ये जो आजकल कोरोना वायरस की वजह से इतना हंगामा हुआ है बाहर, तो आप भी प्लीज़ फ्रेंड कोशिश करें घर में हेल्दी फूड बना के खाएं, बाज़ार का खाना मत यूज़ करें, ठीक है। अच्छा मैं इसमें दाल ऐड कर रही हूँ, चने की दाल, साथ ही साथ मैं इसमें मसूर की दाल ऐड कर रही हूँ। मसूर की दाल याद पता है मैंने क्यों नहीं इसको ना मैंने इसको बॉयल किया था, ये बहुत जल्दी गल जाती है। देखिए मैं दोनों दालों को ऐसे मिक्स कर रही हूँ, ये देखिए। अभी मैं इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल रही हूँ, ठीक है। मैंने इसमें आधा कप पानी ऐड किया है और मैं दोबारा से थोड़ा प्रेशर को दोबारा से लगाऊंगी तकरीबन 5 मिनट के लिए, ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं दाल के साथ ये बड़े स्पेशल किस्म के राइस बना रही हूँ। मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है, एक गिलास चावल लिया है मैंने, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये कप लिया है मैंने, 1.5 कप चावल लिया हूँ।
अच्छा साथ ही इसकी मैं राइस बना रही हूँ, बहुत अच्छे राइस बनेंगे, ये भी देखना बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। वाइट राइस होते हैं, मैं इसको थोड़ा चेंज करूँगी। ये देखो ये मैंने 1.5 कप जो है ये मैंने राइस लिए हैं, उनको मैंने भिगो दिया तकरीबन हाफ और हो गया, मैंने उसको भिगो दिया। मैं इसका पानी यहाँ पर मैं रख चुकी हूँ और मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून, 2 टीस्पून, 2.5 टीस्पून मैंने ऐड किया है काजू का, मैं बाद में देखूंगी मेरे जैसे लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है आप उसको बनाते हैं तो आप उसको नमक साथ साथ भी देख सकते हो। हाँ, एक तरफ हमारी दाल पक रही है, साथ ही साथ मैं आपको बड़े मज़े के बहुत अच्छे राइस बनाना सिखाऊंगी जो बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा ना ज़रदा कलर ऐड कर रही हूँ, ठीक है, फूड कलर होता है खाने वाला जो ज़रदा कलर, मैंने वो ऐड कर दिया है, इससे ये चावल जो है इनका कलर बहुत खूबसूरत आएगा, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो मैं जब भी बनाती हूँ कभी वाइट राइस नहीं बनाती हूँ, इसको ऐड करती हूँ कलर को, जो बहुत अच्छा लगता है तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। ठीक है, मैं इसमें ये ऐड कर चुकी हूँ, साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा ऑयल ऐड कर रही हूँ, कुकिंग ऑयल, इससे चावल बहुत अच्छे बनेंगे, जुड़ेंगे नहीं। अभी हम वेट करेंगे इसका बॉयल होने का, जैसे ये बॉयल होने लगेगा तो इसमें मैं चावल ऐड कर लूँगी। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमारी दाल जो है उसका प्रेशर बोलना शुरू हो गया है, साथ ही मैंने राइस भी रखी है, बहुत अच्छी राइस है, ये चावल बनेंगे, आप देखिए खाइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें और दाल चावल जरूर बना के बताइएगा। और बाज़ार का खाना जो है उससे परहेज करें, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हैं जो हमारे मुल्क में आ रही हैं, ऐसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुस्लिम हैं, हम लोग ऐसी कोई बीमारी नहीं होगी। और हम तो प्रेशर बोलना शुरू हो गया, प्रेशर जब ये स्टार्ट हो गया है बोलना तो मैं इसको 5 मिनट दूँगी ताकि दाल अच्छी तरह से दोनों दालें मिक्स हो जाएँ। तब तक हमारे साथ में राइस बन रहे हैं, राइस भी बहुत मज़े से बनी है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, वाइट राइस को अक्सर लाइक नहीं करते बच्चे, यू नो, तो इसलिए थोड़ा उसका कलर चेंज किया है, तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, कलर देख के वो थोड़ा उनको पेट में भूख हो जाएगी, आजकल बच्चे बहुत आम सी बात है कि बच्चे खाना नहीं खाते, तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग घरों में बनाते हैं, तो थोड़ा उसमें हम लोग अपना देसी टोटका डाल दें तो बच्चे खा लेते हैं। अच्छा फ्रेंड, ये देखेंगे मैं इसका चूल्हा बंद करके इसका बेस को ऊपर से उतार रही हूँ और मैं आपको दिखाऊँ, शायद पानी भी बॉयल हो चुका है, पानी भी बॉयल हो चुका है तो मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं और मैंने इसको हल्का सा चम्मच के साथ इसको हला दी, दोबारा से इसके ऊपर इसको कैप कर दूँगी ताकि ये चावल अच्छी तरह से उबाल। ये देखिए फ्रेंड, मैंने दाल के ऊपर से उतार दिया है कैप और इसकी ये शक्ल है, ठीक है, और ये देखें, ये इतनी ज़्यादा इसको मैंने गला दिया है कि ये देखें इसकी ये लुक आ रही है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा ये मैश हुई होती है उतनी अच्छी लगती है दाल, ठीक है। अब इसमें मैं 1.5 कप पानी ऐड करूँगी, 2 कप कर लीजिएगा, देखिए मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, दोनों दालें अच्छी तरह गल चुकी हैं, पानी जितना आप डालना चाहें ऐड करना चाहें, जितना आप इसको थिक करना चाहें या जितना आप शोरबा इसका रखना चाहें उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको 1-2 बार चम्मच मारें और अच्छे से, अब इसको 5-6 बॉयल आएंगे और ये आपकी दाल बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ठीक है। चावल भी हमारे अच्छे से पक रहे हैं, ये देखिए चावल को, अभी ये देखिए फ्रेंड, चावल मेरे अच्छी तरह से गल गए हैं, ये देखिए, ठीक है, चावल भी अच्छे इस्तेमाल करें, ये देखिए कितने लंबे चावल हैं, मैं कायनात चावल यूज़ करती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ मैं चावलों को दम पर रखने लगी हूँ, अभी ये देखिए दाल के हालात देखिए, दाल तो बहुत अच्छी,
और ये देखें फ्रेंड, अभी मैं इसको दाल को थोड़ा और ज़्यादा मैश करूँगी, क्योंकि दाल बिल्कुल मैश हुई होगी तो ज़्यादा अच्छी लगती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका। यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि दाल में नमक या नमक की कमी तो नहीं, या मसाला कितना आपने डाला है, कितना है नमक, आप और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अगर इसमें नमक की मिकदार कम रखा करें, ताकि नमक जो है वो हम दोबारा से भी पके हुए खाने में भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनमें हम पकाते वक्त ही नमक ऐड करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बाद में नमक ऐड करने से अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए ये दाल बिल्कुल रेडी है। और यहाँ बिल्कुल दाल एंड हो चुकी है, पक गई है हमारी। इसमें थोड़ा सा नमक मुझे कम लग रहा है, तो मैं अपनी हसबे जायका नमक इसमें ऐड कर रही हूँ, हल्का सा इसमें मैंने वो ऐड किया है गरम मसाला, और ये मैं उसको धनिया पाउडर, जिसको कोरिएंडर पाउडर भी कहते हैं, ऐड कर दिया मैंने। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चावल भी बिल्कुल रेडी हो गया, मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ ये दोनों चीज़ें। ये देखिए फ्रेंड, मैं अभी इसको डिश आउट कर चुकी हूँ, और ये देखिए ये हमारी दाल है, ये देखिएगा ये मैंने कुकम्बर रेडी किए हैं, और ये हमारे चावल हैं बॉयल किए मैंने, ये देखिए बहुत अच्छे हैं। तो कैसी लगी आज की आपको डिश? अभी गर्मियाँ नहीं आई लेकिन मेरा खशूर हो गया किचन में खड़े होके। अच्छा, तो आज की डिश कैसी लगी आपको मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है? और लाइक करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और ये लाजमी मुझे बताइएगा आज का दाल चावल आपने बनाया तो आपको कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।